वेलकम बैक टू रूमीज किचन। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। रूमीज किचन में आज हम समर स्पेशल बनाने जा रहे हैं, आलू की कतली, दही वाली आलू की कतली, जो समर में बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती हैं। जब आपकी कोई समझ में नहीं आए तो झटपट आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं। यहाँ दही वाली आलू की कतली बनाने के लिए यहाँ हमने आधा किलो आलू लिए हैं और इनको वॉश करके छील लिया है, और छीलने के बाद हमें इन्हें पानी में डाल दिया जिससे ये काले ना पड़े। अब हमें कतली बनानी है तो इसको हम कट करेंगे और हमें इसे ऐसे गोल गोल कट करना है, कतली की शेप में। बहुत बारीक भी नहीं रखना है जिस तो ये हलवा हो जाएंगे, और बहुत मोटा भी नहीं रखना है कि गलने में परेशान करें। तो ऐसे करके सारी हम कतली अपनी काट लेंगे। आलू हमारे कट हो चुके हैं। अब हम इसमें कढ़ाई में अपना डालेंगे ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, लेकिन इसका मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं जो आपके यहाँ खाया जाता हो। ऑयल को होने देंगे हम थोड़ा सा गर्म, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अपना जीरा। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, बहुत जल्दी से बनने वाली झटपट रेसिपी है ये, और बहुत ही टेस्टी। इस मेथड से मेरी सासू अम्मी बनाती थी। मैंने काफ़ी मेथड से बनाई है ये, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आई। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो बनती है वही मुझे उसमें ही मज़ा आया, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। अब इसमें हम डाल लेंगे अपना ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। और इसमें सिर्फ हम मिर्च यूज़ करेंगे। ये साबुत वाली मिर्च ली है मैंने, ये कश्मीरी मिर्च है, तीखी नहीं होती है, और हमारे यहाँ तीखा बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने दो ली हैं और इसके बीज भी निकाल दिए हैं, सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो सीड डाल दीजिए तो तीखा हो जाएगा। अब ज़ीरा हो चुका है क्रैकल। अब हम इसमें डाल लेंगे अपना जो हमने सूखी मिर्च रखी है वो डाल लेंगे, और ये मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं तीन चार। आपके पास नहीं है मत डालिए, मेरे पास प्लांट लगा हुआ है तो मैं डाल लेती हूँ। बस ये हो चुका है हमारा। अब हम इसमें अपने जो आलू कट करके रखे हैं हमने कतलियाँ वो डाल लेंगे। और ये डाल के अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी टेस्ट लगता है इनका, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये दही वाली आलू कचौड़ी। लेकिन खाते सिर्फ यही वाली मेथड वाली है, अगर मैं किसी और तरीके से बनाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आती। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं हमारे आलू फ्राई होते हुए। अब हम इसमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे अपना नमक और हल्दी। तो यहाँ 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मेरा नमक है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए। अब इसको चलाकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये कतलियाँ गल जाएं। हमें इन्हें हलवा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। हलवा हो जाएगा तो वो दही में पड़ के पता ही नहीं चलेंगी ये कतलियाँ। आलू भी कई तरीके के आते हैं, कुछ जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो हम एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, कभी ये जल्दी गलने वाले आलू पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर अगर हमें लगेगा कि और ज़रूरत है तो फिर डाल देंगे। बस अब हम इसमें अपना पानी ऐड करेंगे और इसे कवर करके कुक कर लेंगे। बस अभी मैं इतना ही पानी डालूंगी, फिर बीच में चेक कर लेंगे, अगर लगेगा कि हमें और डालना है पानी तो डाल लेंगे। अब इसको हम कवर कर देते हैं और बीच बीच में इसको देख लेंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखेंगे इसको। अब हम अपनी कतलियों को चेक करेंगे। पानी इसका सब ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है,
लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये गल भी गई हैं या नहीं। अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं ये, हलवा भी नहीं हुई है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइट है। अब ये हमने थोड़ा सा धनिया और पुदीना को चॉप करके रखा था, इसको डाल लेंगे इसमें। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ठंडा होने देना है। आपने देखा होगा दही को पकाया नहीं है हमने, इसमें सिर्फ हमने कतली तैयार की है और अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसमें हम अपना दही मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और कतली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हमने अपने दही को फेंट लिया है, अब हम इसमें अपना दही मिक्स करेंगे। थोड़ा सा रोकेंगे और इसको चलाकर देखेंगे कि इसमें और डालना है या इतना काफी है। और जब ये वाली कतली आप बनाए ना, तो थोड़ा सा अपनी जो हमने कतली बनाई है उसमें ऑयल थोड़ा ज्यादा ही रखें, तभी अच्छा इसका मजा आता है। ऑयल कम रखेंगे आप तो फिर वो मजेदार नहीं लगेगी। बस ये दही हमारा काफी हो चुका है, उस दही को हम रोक लेंगे और ये दही वाली कतली हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब इन्हें हम कर लेंगे सर्व और ये दही वाली कतली को हमने सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे चाहे एंजॉय करिए और इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।